हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिमी व्लॉग। तो कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया था किसी वजह से, आज फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज हम लेके जा रहे हैं कार, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, रात को आने में ठंड लग जाती है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो चल रहे हैं फिर कार लेके, शॉप को ओपन करनी है, चलो फिर दिखाते हैं। और थैंक्स टू अंकल, अंकल ने हमारी पार्किंग खाली कर दी है, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी अंकल, उसके लिए सॉरी। मैं आपको बोल दूंगा ऊपर जाके, आप मुझे जहाँ भी मिलोगे, थैंक यू सो मच। तो भाई शॉप हो गई है ओपन और सारा सामान ख़त्म हो रहा था, तो सारा सामान मंगा लिया है। मैं ब्लिंकिट से ही मंगाता हूँ सारा सामान, 6 से 7 मिनट में ऑर्डर करने के बाद 6 से 7 मिनट में आपका सामान आ जाता है, जहाँ पे आपने लोकेशन डाली है, जो भी सब अब अच्छे से पैक होकर आता है। अभी मैं आया हूँ राहुल भाई की शॉप पे गैस भरवाने, यहाँ पे भर रही है गैस। गैस भरवाने के बाद जाना है मुझे फ़ोन लेने, फ़ोन वाले की कॉल आ रही है मेरे पास, फिर चलते हैं। गाड़ी का दिखाते हैं, आज गाड़ी का काम कराना है थोड़ा सा, बहुत दिन से डील नहीं मिल रही थी, फाइनली आज 2-3 डील मिल गई हैं। अभी मैं फ़ोन लेने जा रहा हूँ, कल रेड 11 मिल गया था, आज XR मिला है। बहुत दिन से फ़ोन का काम चल नहीं रहा था, फाइनली 2-3 फोनों की डील मिल रही है, अभी मैं लेने जा रहा हूँ। उसके बाद आके हम ग्रिल चेंज कराते हैं और कार वॉश कराते हैं, फिर चलो देखते हैं, बात करते हैं, फ़ोन लेते हैं चल के। तो भाई अभी हम लेने जा रहे हैं फ़ोन, भाई ने लोकेशन सेंड कर दिया है, 7 किलोमीटर दूर है। अभी हम आ गए हैं एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे, देखते हैं फ़ोन की कंडीशन क्या है। शायद मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में बताया नहीं होगा, भाई मेरा आईफोन सेल परचेज का भी काम है ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे जाके फ़ोन ले लो 777, इंस्टा आईडी है मेरी, उस पर सेल परचेज, आपको जो भी फ़ोन चाहिए उसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी, जो जो फ़ोन हमारे पास अवेलेबल होते हैं प्लीज़ चेक करें और फॉलो करें। खंडे साडे बनले राता ने और सुनाइया चन तारे रे सब जल। भाई रहते हैं जेपी अमन में, तो भाई बोल रहे हैं इतना टाइम मुझे बाहर आने का, उससे जल्दी आप अंदर आ जाओगे तो अंदर आ जाओ। अभी हम चल रहे हैं अंदर, ये करा ली मैंने एंट्री, कैमरे वैमरे सब लगा रखे हैं, सिक्योरिटी तो अच्छी है, सोसाइटी चल नहीं पाई पर ये एकदम बिल्कुल। इन 100 मीटर्स टर्न राइट, टर्न राइट। देख लो यार ये हमारी कार, अभी ये पुरानी ग्रिल है, अभी न्यू ग्रिल चेंज हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा न्यू ग्रिल चेंज होने के बाद कैसी लुक आ रही है आगे से, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे पता नहीं था, फाइनली मैं भाई से 3 फ़ोन ले चुका हूँ, भाई का फेस देख के मुझे याद आया, ये कह रहे थे कि आपके अलावा मैं किसी को अपना फ़ोन सेल करता ही नहीं हूँ, भाई ने अपना फ़ोन मुझे दे दिया है। भाई के फ़ोन हमेशा A1 कंडीशन होते हैं और मैं भी A1 कंडीशन ही फ़ोन सेल करता हूँ, परचेज करता हूँ, थैंक यू सो मच। कैमल राइड करनी हो तो कैमल राइड भी चालू है यहाँ पर जगवीर भाई के पास, ये आ गया हमारे जगवीर भाई। तो भाई ये हो गया काम स्टार्ट गाड़ी में, अभी बम्पर खुलेगा फिर ग्रिल लगेगी। ये जगवीर भाई हैं अपने, किसी को भी डेंटिंग पेंटिंग का काम हो तो मैं इनका नंबर और उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ भी कराना हो तुगलपुर में। अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या कैसे कैसे होता है काम। ये एक बाइक वाला गाड़ी मार के चला गया था, देखो बम्पर पे पूरा स्क्रैच कर दिया, ये खड़ी खड़ी गाड़ी में कितना भी दुबका के खड़ी कर लो फिर भी मार जाते हैं लोग और सॉरी बोल के चले जाते हैं। अब इस पर रबिंग करा रहा हूँ, रबिंग के बाद शायद चल। ये देखो ऊँट की दही तोड़ रखे, 3-3 लोग बैठ रहे हैं ऊँट पे, दही दबा रखी है, देखो 3-3 आदमी ऊँट पे बैठ के जा रहे हैं।
मुझसे कभी नहीं लगती गाड़ी, खड़ी खड़ी गाड़ी में इतने मार रखे हैं अगले बम्पर पे पिछले बम्पर पे बाइक वालों ने। देख ले जो जो छूट जाए, ये छूट जाए अपने हिसाब से देख ले, तीन चार जगह लग रखी हैं जो जो छूट जाए। एक इस पर मार दे, ये थोड़ा सा ये हो रहा है, ये चली जाएगी पक्का। जो जो चली जाए देख ले कुछ। ये देखो भाई एक्सपीरियंस बंदे का कमाल ये होता है। कई लोग बोल रहे थे मुझे पूरा बम्पर खुलेगा, पूरा बम्पर खुलने के बाद प्रॉपर सेटिंग नहीं बैठेगी। भैया ने बिना बम्पर खोले ही खोल दिए जाली, ये देखो ये खुल गई और अब लगेगी हमारी नई जाली। नई जाली की तो साइनिंग ही अलग है। देखो ये आ गया आपकी नई जाली, है ओरिजिनल, ओरिजिनल की पकड़ते ही पता चल जा हाथ में। अब दिखाते हैं आपको धुलवा उलवा के गाड़ी एकदम आज सेट करवा के। अभी तो गंदी हो रही, पूरा इंजन भी देखो कबाड़ा हो रखा है। भैया हमारी ग्रिल देख लो, भैया ने लगा दिया। भैया का नंबर डाल दूंगा किसी को भी डेंट पेंटिंग का काम हो डिस्क्रिप्शन में। आ गया हूँ मैं अलाइनमेंट कराने और टायर बैलेंस करने। भाई की शॉप है, बड़े भाई हैं, किसी को भी अलाइनमेंट कराना हो और टायर वायर टायर से रिलेटेड कुछ भी कराना हो, बस का टायर है तो गलपुर में। ये लगा दिया जैक गाड़ी पे, उठ गए दोनों टायर। देख हम चेक कर पूरा इसे आज, आराम से खोले तो हल हल्का है, कलर छूट जाए अलॉय को। हमारी दूसरी गाड़ी, इसमें भी थोड़ा सा लाइट का काम होना है, लाइट में दिक्कत हो रही थी, दिखाया था आपको मैंने पिछले व्लॉग में। ये भी पेंट होके आई थी, ये अलाइनमेंट हो, टायर बैलेंसिंग हो रहा है, देखते हैं कितना वेट लगता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है लो प्रोफाइल टायर की, किंकरी घुस जाते हैं इसमें, इससे वेट ऊपर नीचे हो जाता है, गाड़ी बबलिंग करने लग के इधर उधर बबलने लगती है। फिट बिल्कुल जीरो आ गया, सेट हो गया, इसमें तो वेट नहीं लगा, इसमें देखते हैं निकालना पड़ा और उल्टा। इसमें देखते हैं कितना लगता है, बाय इतने से कुछ ना हो। देखो कितना दिखा रही है, इसमें से भी ये हटा दिया वेट, पहले एक्स्ट्रा लगा हुआ था, अब दिखाएगी जीरो। इसमें लगेगा 20, ये हो गया जीरो, दोनों टायर हो गया आगे वाले सेट। ये हाथ से जो होता है, एक में ना लगा एक में लगा, ये हाथ से अलाइनमेंट होता है, ये सबसे बढ़िया रहता है एकदम। छोड़ना
ग्रिल कैसी लग रही है आगे से। चार में नाइट्रोजन आप दे मिल गया सही है। अभी नाइट्रोजन डलवा रहा हूँ मैं टायरों में। जल गई नाइट्रोजन चारों टायरों में नाइट्रोजन डलवा दी। टायर ठंडे रहते हैं तो भाई फाइनली आज गाड़ी में सारा काम हो गया। अभी वॉशिंग हो रही है पूरी गाड़ी, फिर बिफोर आफ्टर करके दिखाता हूँ मैं गाड़ी का। आज हो गया सारा काम फाइनल गाड़ी का मेरी का। सुगलपुर में शैम्पू मार के चमकाते हैं पैर पे ब्रश मारती हो। हाँ पैर पे खाली ब्रश मार के पॉलिश न मारनी आज ऐसी चमका दे बस। तो भाई आज फाइनल गाड़ी की लुक एकदम ऑसम हो गई है। पूरी गाड़ी फाइनल लुक देख लो आप वॉश के बाद अगली ग्रिल के बाद। नाइट्रोजन डल गई, वॉश होगी, टायर अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो गए, पूरी गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है पूरी। आप देख लो अंदर से भी सारी। प्लीज़ कैसी लग रही है कमेंट में कमेंट करके बताना। भूख तो कुछ मिला नहीं इसलिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया।